हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मैं आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं ऑन द Hyundai क्रेटा ई वेरिएंट। अब ये सबसे सस्ता वेरिएंट है ऑफ द क्रेटा एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। बट अगर आपको ये सबसे सस्ता वेरिएंट नहीं लेना है, आपको लगता है जो EX है वो भी ज़्यादा फीचर्स नहीं ऑफर कर रहा एंड द S वेरिएंट इज ऑल्सो नॉट योर लाइकिंग, वॉट अबाउट द SX वेरिएंट राइट हियर? क्या ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इन द लाइनअप ऑफ द क्रेटा? We are going to find out in this video. मैं आपको रन डाउन देने वाला हूँ सब फीचर्स का जो आता है इस गाड़ी पे राइट हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने बोला सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। देखिए, SX जो एक वेरिएंट है ना, वो आपको काफी मल्टीपल फॉर्मेट्स में मिलता है ऑन मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ द कार, ट्रिम लेवल्स ऑफ द कार रादर आई शुड से। आपको ये मिलता है मैनुअल पेट्रोल, ऑटोमेटिक पेट्रोल, DCT के साथ एंड एट द सेम टाइम मैनुअल और ऑटोमेटिक डीजल इंजन्स के साथ। SX वेरिएंट सब जगह मिलता है। आपको जो DCT है वहाँ पर कुछ अलग चेंजेस भी मिल जाते हैं उस पर। सो फर्स्ट हमारे सामने जो आज खड़ी है वो SX पेट्रोल मैनुअल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक फुल क्रोम ग्रिल मिलती है आगे सिल्वर कलर की, आपको DCT पे ब्लैक कलर की मिलेगी और उस पर रेड कलर की आपको बैजिंग भी मिल जाएगी या वहाँ साइड में सब जगह पे। बट यहाँ पर हम इस गाड़ी पे फोकस करते हैं जो हमारे सामने खड़ी है। सबसे पहले आप देखेंगे जो इसके हेडलैम्प्स है वो कंप्लीट डे टाइम रनिंग LEDs हैं। लेट मी जस्ट स्विच देम ऑन फॉर यू। तो आप जैसे देख सकते हैं डे टाइम रनिंग LEDs मिलते हैं आपको, यहाँ पर फुल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ई वेरिएंट है उसको कैसे सेम ऑप्शंस मिलते हैं बट आपको एक हैलोजन प्रोजेक्टर मिलता है यहाँ पे। लेट्स कम बैक टू दिस कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कॉम्बिनेशन मिलता है ऑफ द टर्न इंडिकेटर एंड द फॉग लैम्प राइट इन द एंड ऑफ द बम्पर। तो ये भी एक अलग लुक है फ्रॉम दैट कार एंड एट द सेम टाइम ये दो वेरिएंट अबव है देन द ई वेरिएंट जो मैंने आपको पहले दिखाया था। नीचे आपको एक फॉल्स स्किड प्लेट का लुक दिया जाता है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर। आपको क्रोम थोड़ा और दिया जाता है ऑन द बम्पर राइट हियर एज वेल। एंड जो इसका हुड है सब कुछ है वो सेम ही है और कुछ फर्क नहीं है। अब साइड देखते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले चीज़ जो नोटिस करेंगे वो है कि ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। ये जो है सिल्वर कलर में आते हैं, आपको गन मेटल फिनिश में मिलेंगे ऑन द SX-O वेरिएंट एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट डिफरेंट वे आपको मिलेंगे ऑन द DCTs। 17 इंच के अलॉय व्हील्स के अलावा आप देख सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर रूफ रेल्स मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं एंड पैसिव एंट्री भी मिलता है। सो बेसिकली आप दरवाज़ा खोल सकते हैं विदाउट टेकिंग द चाबी आउट ऑफ योर पॉकेट। चाबी जो है इस गाड़ी की वो कुछ ऐसी दिखती है। तो आपके पास यहाँ पर लॉक अनलॉक होल्ड दिया हुआ है बूट खोलने के लिए एंड आपको हॉर्न के लिए भी होल्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो चाबी है आपको मिलती है बेसिकली ये टैन फिनिश के साथ विद बेसिक सिल्वर आपको बटन्स मिलते हैं। जो ई वेरियंट था मैंने आज आपको दिखाया, आपको बेसिक चाबी मिलती है ब्लैक प्लास्टिक विद ब्लैक बटन्स। सो दैट इज़ ऑल्सो वन डिफरेंस। नाउ बात करते हैं अब थोड़ी रियर की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ रूफ रेल्स के नीचे आपको दिख रहा है ये सिल्वर कलर का पैनल, पियानो ब्लैक आपको सी पिलर पे मिल जाता है, सेम विद द ए पिलर राइट हेड, तो वो फिनिश कंटिन्यूड है। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं LED टेल लैम्प्स जो काफ़ी कूल लगते हैं, आपको वाइपर मिल जाता है, नॉर्मल स्पॉयलर मिलता है, शार्क फिन एंटेना आ जाता है एंड एट द सेम टाइम आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है यहाँ पे। बूट अगर हम देखेंगे यहाँ पर आप नोटिस करेंगे सेम अमाउंट ऑफ स्पेस आपको मिलती है, देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस हियर। आपको जो व्हील मिलता है वो एक स्पेयर व्हील ही है एंड इट्स अ बेसिक स्टील व्हील जो 16 इंच का है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे देयर आर नॉट अनदर स्पीकर, क्योंकि इस गाड़ी को 6 नहीं 4 स्पीकर ही आते हैं, तो वो मैं इंटीरियर में आपको और अभी बताता हूँ। चलिए इंटीरियर देखते हैं इस गाड़ी का। अब हम आ गए इंटीरियर में और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि आप ऐसा लगता है एक टॉप वेरिएंट गाड़ी में ही बैठे हो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अटेंशन जाती है इस पर द 10.25 इंच टच स्क्रीन जो आपको मिलती है, जो टॉप वेरिएंट पे SX प्लस पे भी SX-O पे भी आपको मिलती है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा है। आपको इसमें ऑब्वियसली ब्लू लिंक मिलता है, 50 जो सेटिंग्स आती है ब्लू लिंक की वो सब आपको मिल जाती है, वॉइस असिस्ट मिल जाता है, आप सनरूफ खोलना चाहें आपको पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है बाय द वे, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको आता है इसमें, ये देख लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है।
नीचे अगर आप देखेंगे स्टोरेज एरिया में आपको आपकी वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, फास्ट चार्जर मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। एसी वेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो सिमिलर ही है, आपको एक डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है इस गाड़ी में और जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर जो माउंटेड कंट्रोल्स है वो आपको सारे मिल जाते हैं। यू गेट क्रूज कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट जैसे मैंने आपको बताया उसका बटन आपको मिल जाता है, ऊपर आपको आपके ब्लू लिंक, टोइंग और SOS का भी बटन मिल जाता है। ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर नहीं मिलता आपको, नॉर्मल एक डे एंड नाइट ही मिलता है। यहाँ पर ऊपर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपके सनरूफ के। कमिंग बैक टू द स्टीयरिंग व्हील, आपको आपके मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मेन्यू के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ तक आपको एनालॉग डिस्प्ले ही मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। उसके बाद आपको SXO में ही एक फुल डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी आपको मिल जाएगा सेटिंग यहाँ पर, एंड उसके अलावा यू डू गेट योर बेसिक इंस्ट्रूमेंट नोट्स एज वेल। मेरे को एक चीज़ जो अभी इसमें नहीं समझ आई, अच्छी नहीं लगी है कि एस वेरियंट के बाद SXO में भी जो स्टेयरिंग है वो सिर्फ हाइट के लिए एडजस्टेबल है, रीच के लिए ये एडजस्टेबल नहीं है। सीट्स की अगर हम बात करें, सीट्स जो हैं वो 6-way एडजस्टेबल है, रिक्लाइन हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, एडजस्ट हो जाता है रीच के लिए, एज वेल एज आपको सीट हाइट एडजस्टर ड्राइवर साइड पर भी मिल जाता है। 8-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट जो है वो आपको सिर्फ मिलेगी ऑन दी SXO। AQI सिस्टम SXO में ही मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई ड्राइविंग मोड्स तो नहीं मिलते, बट यू डू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने की आपको यहाँ पे कैपेबिलिटी मिल जाती है। जो फ्रंट मिरर्स हैं वो आपके बंद भी हो जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपका ऐसा ही है नॉर्मल, ये देख लीजिए। अगर हम बात कर लें इस समय अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, आपको इसमें 2 एयरबैग्स ही मिलते हैं, 6 एयरबैग्स आपको SXO में ही मिलेंगे। उसके अलावा ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इसके अंदर। आपको स्पीड सेंसिंग लॉक्स मिल जाएंगे, यू विल गेट इन दिस कार। स्पीड सेंसर आपको मिल जाएगा, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम मिल जाएगा। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स, यू कैन नॉट डिस्काउंट ब्लू लिंक में आपको SOS, टोइंग असिस्टेंस, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, क्रैश अलर्ट, ये सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। इम्पैक्ट सेंसिंग, डोर अनलॉक मिल जाता है इसमें। अब उसके अलावा आपको फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे, रियर डिफॉगर मिल जाता है, ये सब कुछ यू डू नॉट गेट ऑन सम ऑफ द बेस वेरिएंट्स। SX में आपको ये सारा कुछ आ जाता है। उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि डिपेंडिंग कि आप 1.4 लें या 1.5 पेट्रोल या डीजल लें, उसमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि हिल स्टार्ट असिस्ट आपको मिल जाएगा, वेलकम पैडल लैम्प मिल जाएगा, ये सब कुछ भी यू हैव टू सी द वेरिएंट्स किस में अवेलेबल है, वो भी आपको फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाएंगे। स्टोरेज के मामले में आपको एक ग्लव बॉक्स आपका मिल जाता है, यू गेट योर नॉर्मल साइड दरवाजे के अंदर जो आपको स्पेस मिलती है स्टोरेज, वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, ये स्टिल एडजस्टेबल नहीं है आपको अभी तक। यहाँ पर आपको एक अपनी स्पेस मिल जाती है सेंटर कंसोल में, एंड इस साइड पर भी आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है। ओवरऑल द फर्स्ट इंप्रेशन इज, जब आप SX में बैठते हैं इन द फ्रंट सीट, वो एक टॉप वेरिएंट की फीलिंग दे देती है आपको सीधा। जैसे ही आप देखते हैं आपको एक सनरूफ दिख जाता है, यू गेट दिस बिग टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, आई मीन मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो आपको चाहिए ये आपको सब मिल ही जाते हैं। तो इस गाड़ी में आपको टोटल 6 स्पीकर मिलते हैं, बेसिकली 4 डोर पे स्पीकर्स मिलते हैं और आपको 2 ट्वीटर्स मिलते हैं साथ में। 8 स्पीकर का जो सिस्टम है बोस का, ये देयर यू विल गेट एक स्पीकर बीच में यहाँ पे, और बूट पे भी आपको एक स्पीकर मिलता है। सो वहाँ पर बोस का सिस्टम इज बेटर, और मैं ये सिस्टम भी आपको प्ले करके सुना देता हूँ। बट उसके अलावा दिस कार डस फील प्रीमियम। लेट्स जस्ट चेक आउट द रियर सीट नाउ। तो अब मैं रियर सीट में बैठा हूँ, एंड लेट मी जस्ट टेल यू देर आर अगेन क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स हियर। सबसे पहले आप देखेंगे मुझे एक प्राइवेसी मैश मिल जाता है यहाँ पर, जो मैं निकाल के रख सकता हूँ या रख सकता हूँ ऑन।
दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एसी वेंट्स आपको पीछे मिलते हैं, यू डू ऑल्सो गेट फास्ट चार्जर यहाँ पर फोन होल्डर के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपके पास दो यहाँ पर स्टोरेज स्पेसेस है सीट्स के पीछे सामान रखने के लिए एंड ऑब्वियसली दरवाजों में आप सामान रख सकते हैं। अदर देन दैट सीट्स की बात कर रहे हैं, जो सीट्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं और यहाँ पर द मैजिक स्टार्ट्स विद द SX। तो ये सीट जो आप देख रहे हो, दिस इज अ टू स्टेप एडजस्टेबल सीट, ये देखा आपने, रिक्लाइन जो है इसका एडजस्टेबल है, आपको हेडरेस्ट इस पर मिलते हैं, यू ऑल्सो गेट दोस कुशन हुंडई बेचता है जो आपको इसके ऊपर लगा सकते हैं टू मेक द सीट मोर कम्फर्टेबल, यू ऑल्सो गेट एन आर्मरेस्ट दो कप होल्डर्स के साथ एंड आई मीन इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। बाकी आपको SXO अगर आप देखोगे उसमें आपको पीछे जो है ना AQI का कंट्रोल्स मिल जाता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं AQI को। अदर देन दैट पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं, ये सब जो मैंने आपको फीचर्स बताए मिल जाते हैं। हाँ, आपको SXO में जो सीट बेल्ट्स हैं उसको हाइट एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है पिलर में। सो दोज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू गेट मोर ऑन द SXO, बट यही सारे फीचर्स जो हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं ऑन द SX दैट मेक इट अ वेरी वैल्यू फॉर मनी पैकेज। बात करता हूँ अभी मैं आपको प्राइस के बारे में इसके। सो गाइज, ये थी द SX वर्जन ऑफ द Hyundai Creta। SX वर्जन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया आपको सब इंजन ऑप्शंस के साथ आ जाता है, सब गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे यहाँ वहाँ फीचर्स में, बट ओवरऑल जैसे आपने आज देखा यू गेट अ लॉट ऑफ किट फॉर द प्राइस। 13.4 lakhs एक्स शोरूम प्राइस है इसका मुंबई में, बट ऑन रोड थोड़ा महंगा हो जाता है। मेरे हिसाब से इट इज़ स्टिल अ वैल्यू फॉर मनी पैकेज, बट उसके अलावा आई विल से दैट इफ़ यू रियली वॉन्ट ऑल दीज फीचर्स, आपको बिल्कुल विदाउट टेंशन गाड़ी लेनी है, इट मेक्स अ गुड चॉइस। SXO में आपको ऑब्वियसली थोड़े और फीचर्स मिल जाते हैं एंड यू पे दैट एक्स्ट्रा फॉर इट, बट अगर आपको एक फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम, फैक्ट्री फिटेड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, ये सब चाहिए, आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने SXO पे, दी SX मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे मैंने आपको बताया द ई वेरियंट ऑफ द Creta जस्ट टू गेट इन टू द Creta फैमिली मेक्स सेंस, क्योंकि वहाँ पे भी आपको AC मिल जाता है। आप आफ्टर मार्केट में ऑलमोस्ट ऑन रोड 13 lakhs मुंबई कर दो, 12 lakh ऑन रोड होती है, 1 lakh और खर्चा करो आफ्टर मार्केट पे, आपको काफ़ी डिसेंट कार मिल जाती है। सो दीज वेरियंट्स ऑफ द Creta मेक सेंस। तो आपको अगर चेकआउट करना है और वेरियंट्स के वीडियोज़ हमारे चैनल पे, we have covered other variants of the Creta like the EX as well, तो आपको अगर वो वीडियो देखना है check it out right away। मैं लास्ट में छोड़ूंगा आपके लिए कार्ड, वो चेकआउट कर लेना आप वीडियो ऑफ द EX वेरियंट एज वेल। ई वेरियंट का मैंने ऑलरेडी पहले कार्ड डाला हुआ है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो अगर गाड़ी आपको अच्छी लगेगी या नहीं। इवन द Creta S वेरियंट इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड, सो यू शुड चेक आउट ऑल द वेरियंट्स। हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए जितने वेरियंट्स हो सकें कवर करें। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपको और वेरिएंट्स दूसरी गाड़ियों के देखने अपार्ट फ्रॉम हुंडई, मारुति, टोयोटा हो गया या इवन द जर्मन ब्रांड्स लाइक फोक्सवैगन, स्कोडा, ये सब देखने हैं, टेल मी इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि कौन से सबसे ज़्यादा कमेंट्स में आ रहे हैं जवाब, मैं उन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ अपनी टीम के साथ। सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड वील ट्राई एंड मेक दोज वीडियोज़ एज वेल। टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से, सब्सक्राइब करके रेडी रहो।